आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी कि आज़ादी के 75 साल 15 अगस्त 1947 के बाद एक स्वतंत्र संप्रभु गणतंत्र, एक लोकतांत्रिक जनकल्याणकारी देश, प्रगति के हर सोपान पर अपने को साबित करता देश, दुनिया के नक्शे में सबसे बड़े लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में दर्ज देश, देश भारत। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा। अभी 75 साल पहले की ही तो बात है जब हमारा देश परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। पूरे देश में आज़ाद होने की लालसा थी, संघर्ष था, समर्पण था, त्याग था और बलिदान भी। लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। बीते 75 सालों में पीढ़ियां बदली, आज़ादी के अनेक नायक हमारी हर पीढ़ी के नमन का हिस्सा बने। स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास उत्तर प्रदेश के बिना अधूरा है, जहां हर जिले में बलिदान की एक अमिट कहानी है। ऐसी कुछ अमिट कहानियों को समेट कर लाए हैं हम आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर, आज़ादी के अमृत पर्व पर उन्हें नमन करने के लिए। भारत की आज़ादी की लड़ाई की जब भी बात होती है तो तारीख 10 मई 1857 स्थान मेरठ से शुरू होती है। स्वतंत्रता के लिए यह क्रांति भले ही असफल हो गई हो, लेकिन इसने आज़ादी के लिए भारतीयों की भूख की बुनियाद रख दी। सैनिकों का वह दल जिसने अंग्रेजी साम्राज्य की मजबूत बुनियाद को हिलाकर रख दिया, खुद शहीद हो गए, लेकिन शहादत से आज़ादी का भारतीयों को रास्ता दिखा गए। चर्बी लगी कारतूस तो सिर्फ एक बहाना था। क्रांति की धधकती ज्वाला ने नीले गगन में पहली बार तिरंगा फहरा दिया। स्वतंत्रता की लड़ाई के इतिहास के आगोश में लिपटी हर कहानी से पहले मेरठ की क्रांति को नमन जरूरी है। आज यहां संग्रहालय है, स्मारक है क्रांति के दीवानों का। मेरठ के लोग भी चाहते हैं कि उनके गौरव की यह धरोहर सुरक्षित रहे, साथ ही इतिहास और आज़ादी पर शोध करने वालों के लिए संरक्षित रहे। मेरठ की क्रांति किंवदंती नहीं बल्कि शाश्वत इतिहास है। देश के लिए प्राण देने का जज्बा रखने वालों का स्मारक है, आज़ादी का प्रतीक है। इस धरती और प्रथम क्रांति वीरों को कृतज्ञ राष्ट्र का नमन। बुंदेलखंड में एक कहावत है, पानीदार यहाँ का पानी। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के झरोखे में बुंदेलों की वीर गाथाएं अब भी यहाँ किंवदंतियों के रूप में मौजूद हैं। अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ बगावत 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पहले ही भड़की थी। 1842 में बुंदेलखंड में अंग्रेजों द्वारा गोकसी के विरोध में यह ज्वाला भड़की थी। बांदा गजेटियर के 1942 में उल्लिखित घटनाएं बताती हैं कि अंग्रेजों द्वारा चित्रकूट के मंदाकिनी के तट पर गोवंश की हत्या की जाती थी। उसके मांस को बंगाल और बिहार भेजकर अंग्रेज बदले में रसद और हथियार मंगाया करते थे। एक ओर गुलामी, दूसरी ओर आस्था पर चोट ने बुंदेलियों को विद्रोह के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन उस समय की स्थानीय रियासतों ने इस विद्रोह का सहयोग नहीं किया। निराश बुंदेलों ने गांव-गांव घूमकर गोवंश हत्या के विरोध में जन जागरूकता फैलाने की मुहिम शुरू कर दी। 6 जून 1842 को आने वाले क्रांति की झलक अंग्रेजों को बुंदेलों ने दिखा दी। घाघरा पलटन के नाम से मशहूर किसान महिला पुरुषों ने मऊ तहसील को घेर लिया, 5 अंग्रेज अफसरों को बंधक बनाया और उन्हें फांसी दे दी। मऊ तहसील से भड़की यह चिंगारी राजापुर, बांदा के बबेरू, तिंदवारी, बदौसा, पैलानी,
सिमयनी आदि क्षेत्रों में पहुंच गई। चूंकि यह एक जन आंदोलन था, इसका ठोस नेतृत्व नहीं था, इसलिए अंग्रेजों ने स्थानीय रियासतदारों और जमींदारों की मदद से आंदोलन कुचल दिया। बुंदेलों के अतीत की ये ऐसी गाथा है जिससे वर्तमान पीढ़ी अनजान है। एक लंबा इतिहास है, बहुत सारे हमारे रिवोल्यूशनरी हैं जो इतिहास में जिनके नाम तो दर्ज है, किंतु अभी भी स्थितियां ऐसी हैं कि बहुत सारे लोग उनको जानते नहीं हैं। जो लोग फोकस में रहे, जिन लोगों ने नेतृत्व प्रदान किया, उन लोगों की चर्चाएं हुई और उन लोगों को लोगों ने जाना और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में उनके नाम भी दर्ज हुए और उनको ख्याति भी प्राप्त हुई, किंतु अभी भी इतिहास के आईने में बहुत सारे ऐसे गुमनाम लोग हैं जिनको ख्याति नहीं मिली है। प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर वर्तमान तक बुंदेलखंड और चित्रकूट का एक समृद्ध गौरवशाली इतिहास रहा है। कलिंजर की पहाड़ी और किला, मगध साम्राज्य से लेकर 11वीं शताब्दी में गजनी महमूद का कलिंजर तक मार्च, लोदी सुल्तान आदि ऐसे ऐतिहासिक पलों को अपने दामन में समेटे ये चट्टानी पहाड़ियाँ अपने अप्रतिम शौर्य और वीरता के लिए जानी जाती हैं। बुंदेलों की इसी वीरता की भावना ने अंग्रेज शासन को यहाँ से जाने पर मजबूर किया। आज़ादी की लड़ाई में अनेक योद्धा जो विस्मृत हो गए या फिर स्मृतियों में शेष हैं, जो ज्ञात हैं वो इतिहास का आईना बने। इन सभी शहीद अमर बलिदानियों को कृतज्ञ राष्ट्र का नमन। 1857 का गदर, जिसे आजादी के लिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन या असहयोग आंदोलन, आजादी के हर आंदोलन में प्रदेश की अग्रणी भूमिका रही। भले ही सीमाओं में बंधे राजाओं के अपने प्रश्न हों, लेकिन उत्तर आज़ाद होने की उत्कंठा ही थी। राजधानी लखनऊ के अतीत भी कम रोमांचक नहीं है। अठारह सौ सत्तावन का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कितना सफल था, कितना असफल, यह सोच का विषय हो सकता है, लेकिन इस क्रांति के कदम जहां जहां पड़े वो इतिहास में दर्ज हो गए। वर्तमान राजधानी लखनऊ इस इतिहास का एक झरोखा है, जहां से झांक कर भारतीयों का आजादी के प्रति उत्कट आकांक्षा देखी जा सकती है। देखा जा सकता है समर्पण, त्याग और बलिदान की अमिट कहानी को। औपनिवेशिक नीति से त्रस्त क्रांतिकारियों द्वारा 86 दिन की रेजिडेंसी की घेराबंदी काल की कपाल पर एक अमिट छाप है। लखनऊ की रेजिडेंसी औपनिवेशिक स्मारकों में से एक है। रेजिडेंसी का निर्माण नवाब आसफुद्दौला द्वारा शुरू किया गया, जिसे 1800 ईस्वी में नवाब सआदत अली खां द्वारा पूरा किया गया। 1774 में बक्सर युद्ध में पराजित होने के बाद नवाब शुजाउद्दौला ने अवध दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखने पर अपनी सहमति दी। 1775 में नवाब आसफुद्दौला द्वारा अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की गई। इसी के साथ अंग्रेजी रेजिडेंट भी लखनऊ आ गए। जनरल क्लाड मार्टिन ने रेजिडेंसी के निर्माण के लिए शेखजादों से जमीन खरीदी। क्लाड मार्टिन ने रेजिडेंसी के निर्माण के लिए उत्तरी ढलान का चुनाव किया, जबकि शेष हिस्सा नवाब आसफुद्दौला द्वारा ब्रिटिश रेजिडेंट और उनके कर्मचारियों के रहने के लिए लिया गया। 33 एकड़ में फैले रेजिडेंसी के निर्माण के बाद भी नवाबों को अंग्रेजों की दोस्ती रास नहीं आई। कलांतर में बादशाह वाजिद अली शाह को ईस्ट इंडिया कंपनी ने भोग विलास के आरोपों के साथ 7 फरवरी 1856 को गद्दी से हटा दिया। नवाब को कलकत्ता के मटिया बुर्ज में निर्वासित कर दिया गया। अंग्रेजों के इस अन्यायपूर्ण फैसले से अवधवासियों में आक्रोश की ज्वाला फूट पड़ी। सुलगती नाराजगी 30 मई 1857 को क्रांति के रूप में फूटी। बगावत ने ब्रिटिश सत्ता को अमान्य घोषित कर दिया। युद्ध शुरू हो गया। आसपास के जिले में भी क्रांति की ज्वाला फूट पड़ी थी। 8 जून की रात फैजाबाद में सैन्य टुकड़ियों ने मौलवी अहमद उल्ला शाह के नेतृत्व में कूच कर दिया। अंग्रेजों के साथ घमासान युद्ध हुआ। भारी क्षति सहने के बाद किसी तरह अंग्रेज सेना रेजिडेंसी तक पहुंच सकी। कई अंग्रेज अफसर मारे गए। बड़ी मात्रा में अंग्रेजों का गोला बारूद नष्ट हो गया। चिनहट युद्ध के बाद अंग्रेज रेजिडेंसी परिसर और मच्छी भवन के अंदर सिमट गए। इस बीच क्रांतिकारियों ने नवाब वाजिद अली शाह के एक पुत्र विरजिस कद्र को अवध का नवाब घोषित कर दिया।
बेगम हजरत महल को उनका प्रतिनिधि शासक के रूप में घोषित किया गया। क्रांतिकारियों और अंग्रेजों के बीच घात प्रतिघात में निहित योजना के चलते रेजिडेंसी को घेर लिया गया। क्रांतिकारियों ने रेजिडेंसी पर जबरदस्त गोलाबारी की। अवध के चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस तोप के गोले से घायल हुए। डॉक्टर फेरर के आवास में उनकी मृत्यु हुई। आज़ादी के इन दीवानों ने 86 दिन तक रेजिडेंसी की घेराबंदी कर अमिट इतिहास बना दिया। अंग्रेजों की गोलों और गोलियों के साथ ही पेचिस और चेचक से भी मौतें हुईं। अंग्रेजों को फिर से हाथ से निकली रेजिडेंसी और अवध की सत्ता को प्राप्त करने में एक साल लगे। अवध की सेनाएं एक साल बाद अंग्रेजों से भले ही मात खा गई हों, लेकिन आज़ादी की भूख को और जागृत कर गईं। आज़ादी के लिए संघर्ष की गाथा समय समय पर गाई जाती रहेगी और आज़ाद भारत में इन सेनानियों के लिए नित नमन भी होता रहेगा। राजधानी लखनऊ में कई खंडहर नुमा इमारतें अतीत का इतिहास बांचती हैं। वो संघर्ष की एक गाथा बताती हैं। दिलकुशा कोठी इनमें से एक है। ऊंची ऊंची गाथिक शैली की कोठियों के खंडहरों के साये में यह भव्यता का नमूना है। 1857 के गदर में अंग्रेजों ने इस दिलकुशा कोठी को अपना ठिकाना बनाया, लेकिन यहाँ भी क्रांतिवीरों ने अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दी। दिलकुशा कोठी को नवाब सआदत अली खान के शासनकाल में मेजर गोरे असले द्वारा बनवाया गया था। नवाब सआदत अली खान को खजाने अवध से 1 करोड़ रुपए सालाना हिस्सा कंपनी सरकार को देना पड़ता था। 1830 में एक अंग्रेज ने बादशाह नसरुद्दीन हैदर और उनके नवाब के साथ ही उनके वजीरों के सामने दिलकुशा में एक गुब्बारा उड़ाया। यह घटना यहाँ के इतिहास में बेमिसाल घटना मानी गई। शिकारगाह और बरसात के दिनों में आरामगाह के रूप में प्रयोग की जाने वाली इस कोठी में 1847 से 56 के बीच नवाब वाजिद अली शाह ने इस कोठी के उत्तर पूर्वी भाग में सैन्य पलटनों के सैनिक अभ्यास के लिए तैयार करवाया, जिसे अंग्रेजों ने बंद करवा दिया। लखौरी ईंटों से बनी इस इमारत में 2 1857 के गदर में मारे गए अफसरों की समाधियाँ भी हैं। खंडहर हो चुके इस भवन में अतीत के गदर की यादें हैं। आज़ादी के लिए प्रेरणा है, वास्तुकला के लिए एक अद्भुत नमूना भी है। आज़ादी की बलिवेदी पर शीश चढ़ाने वालों की कहानियां और भी हैं। जब जब 1857 के इतिहास के पन्नों को देखा जाएगा तो उसमें एक तस्वीर स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की नायिका बेगम हजरत महल की दिखेगी। इनके नेतृत्व में किस तरह से आज़ादी के आंदोलन को संगठित किया गया, ये आज भी एक मिसाल है। जब देश के तमाम हिस्सों पर अंग्रेज कब्जा कर चुके थे और वो अवध की रियासत को भी अपने कब्जे में लेना चाहते थे, तो उन्होंने यहाँ के नवाब वाजिद अली शाह के सामने एक प्रस्ताव रखा कि यहाँ की सत्ता अंग्रेजी हुकूमत चलाएगी, आप सिर्फ नाम के नवाब बने रहेंगे। इसके लिए उन्होंने एक पत्र पर दस्तखत करने का दबाव भी डाला, जिसे नवाब वाजिद अली शाह ने अस्वीकार कर दिया। ये नवाब वाजिद अली शाह के सामने वो ट्रीटी रखी गई कि आप बादशाह रहेंगे लेकिन हुकूमत जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की होगी। तो नवाब वाजिद अली शाह बहादुर ने साइन करने से ट्रीटी को इनकार किया। उन्होंने कहा कि आप हमारा तख्त ले सकते हैं, हमारा ताज ले सकते हैं, लेकिन हमारी दस्तखत ले नहीं ले सकते। हम ये गवारा नहीं करेंगे कि हम नाम के बादशाह हों और आप हुकूमत करें और हमारी रियाया जो है वो सफ़र करें। यही वो दौर था जब देश के लिए लड़ने वाले तमाम आंदोलनकारी इस रियासत में बेगम हजरत महल के नेतृत्व में एकत्रित हो गए। आसपास के राजाओं को भी बेगम हजरत महल ने अपने साथ जोड़ा और अंग्रेजों के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ी। लगभग 6 माह तक अवध की रियासत अंग्रेजों से पूरी तरह मुक्त रही है, एक ऐसी वीरांगना जिसने अंग्रेजी सल्तनत के चूल्हे हिला दी थी। अंग्रेजी हुकूमत के कई बड़े अधिकारी संग्राम में मारे गए। रेजिडेंसी में इस तरह की घेराबंदी उस समय की गई थी, वो आज भी दुनिया के सैनिकों को ये पाठ पढ़ाया जाता है। जब पूरे लखनऊ के ऊपर अवध के ऊपर बेगम हजरत महल का करीब करीब कब्जा हो चुका था, उस समय लखनऊ की जो रेजिडेंसी है, लखनऊ की रेजिडेंसी आपने देखा होगा एक हल्के से टीले पे बनी है, ये अपने आप में टाउनशिप हुआ करती थी, करीब पूरी
ये कई किलोमीटर के रेडियस में ये थी। और आपको मालूम है वो घेराबंदी दुनिया की सबसे लंबी घेराबंदियों में से एक थी। इतने लंबे समय तक जो घेराबंदी किसी किले की होती ना, उनमें से पूरी दुनिया में एक थी। आपको सुन के अचंभित होना चाहिए। उस रणनीति को आज भी दुनिया भर की मिलिट्री एकेडमीज में पढ़ाया जाता है। इतिहास के ये पन्ने हमारी भावी पीढ़ी के भविष्य के निर्माण में सहायक सिद्ध होंगे। ये डिजर्व करती हैं कि इनको और ज़्यादा एजाज मिले और इनके नाम से यहाँ के ऊपर एक यूनिवर्सिटी में चेयर होना चाहिए। बेगम महल को पढ़ाना चाहिए कि उनके कारनामे कितने ज़बरदस्त रहे। हमने आज़ादी का क्या मोल चुकाया है, ये उन्हें हमेशा याद दिलाता रहेगा। वो जो गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो गए, जिनके त्याग और बलिदान की कहानियां नहीं बनी, लेकिन किंवदंतियों में वो आज भी जाने जाते हैं। अठारह सौ सत्तावन का स्वतंत्रता संग्राम, आजादी की भूख जनमानस के सिर चढ़कर बोल रही थी। मेरठ से क्रांति की ज्वाला भदोही तक पहुंच चुकी थी। नील की खेती के लिए मजबूर जनता त्राही त्राही कर रही थी। मंगल पांडे की क्रांति के सुर में भदोही के झूरी सिंह ने भी तलवार उठा ली। क्रांतिकारी झूरी सिंह के नाम से अंग्रेजी हुकूमत कांपती थी। यूरोपीय इतिहासकार जैक्सन ने लिखा है कि 10 जून 1857 को भदोही में क्रांति ने व्यापक रूप ले लिया। झूरी सिंह के नेतृत्व से डरकर अंग्रेज सिपाही मिर्जापुर की पहाड़ियों में भाग गए। झूरी सिंह को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने विशेष टीम बनाई। उनके पैतृक गांव परउपुर पर कहर ढहाया गया। धोखे से झूरी सिंह को अंग्रेजी सेना ने पकड़ लिया। गोपीगंज में उन्हें सरेराह फांसी दे दी गई और यह आदेश भी कि इनके शव को कोई उतारेगा नहीं, ताकि क्रांतिकारियों को सबक मिले। देश आजाद हुआ, पीढ़ियां गुजर गईं, लेकिन झूरी सिंह के किस्से आज भी भदोही के लोगों की जबान पर हैं। उनके गांव के लोगों का सर गर्व से ऊंचा होता है अपने पूर्वज की बहादुरी को लेकर। झूरी सिंह के आत्मबलिदान ने देश की आजादी की बुनियाद रखी। कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें नमन करता है। दस मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई क्रांति की आग बागपत तक आ फैली थी। बलौत तहसील के बिजरौल के रहने वाले बाबा शाहमल में भी देशभक्ति का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। क्रांतिकारी बाबा शाहमल के नेतृत्व में हजारों किसानों की सेना ने बलौत तहसील पर हमला बोलकर सरकारी खजाना लूट लिया था। भारत में क्रांतिकारियों की अगुवाई अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर कर रहे थे। शाहमल ने बिलौजपुरा गांव के एक बलूची अल्लादिया को अपना दूत बनाकर दिल्ली दरबार में भेजा, ताकि अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए मदद व सैनिक मिल सकें। इनके अलावा बागपत के नूर खां आदि ने भी शाहमल को बादशाह के सामने पेश करते हुए कहा कि ये क्रांतिकारियों के लिए बहुत सहायक हो सकते हैं, और हुआ भी ऐसा ही। शाहमल ने अंग्रेजों को रसद पहुंचाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले बागपत में यमुना किनारे बना नाव का पुल बारूद से उड़ा दिया। शाहमल के हौसले और जज्बे को देखते हुए उन्हें 84 गांवों का आधिपत्य मिल गया। किसानों की फौज के अलावा 2 दर्जन गांवों के लोगों ने शाहमल के नेतृत्व में संगठित होकर क्रांति का बिगुल बजा दिया। शाहमल ने अपनी फौज के साथ बड़ौत गांव पर कब्जा कर लिया और यहीं पर रसद रख लिया और इस गांव को अपना मुख्यालय भी बना लिया। अंग्रेजों को इसका पता चला तो अंग्रेजों की फौज ने बसौत पर हमला बोल दिया, लेकिन समय रहते शाहमल को पता चल गया और शाहमल भाग निकला। कई बार अंग्रेजी हुकूमत के दांत खट्टे करने वाले बाबा शाहमल को 18 जुलाई 1857 को पकड़ने के लिए 7,000 अंग्रेजी सैनिकों की फौज ने बड़का गांव के जंगल में घेर लिया। लड़ते लड़ते शाहमल की पगड़ी खुल गई और उनके ही घोड़े के पैरों में फंस गई। इसी हमले में बाबा शहीद हो गए। बाबा का सिर कलम कर दिया गया था। अंग्रेज कमांडर विलियम द्वारा लिखी गई आंखों देखी पुस्तक में बताया गया कि गोरों की फौज घंटों तक शाहमल के शव से भी डरती रही। भारत की इस आजादी में कितनों ने मृत्यु वरण किया, कितनों ने अपना घर छोड़ा, कितनों ने जीवन मरण किया। अनगिनत अनाम शहीद हुए, आजादी के मतवाले थे, भारत माता की पुकार वो कब रुकने वाले थे। <Sess->
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का नाम अमर है। इस बहादुर क्रांतिकारी का नाम सुनते ही आज भी भुजाएं फड़कने लगती हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने आज़ादी की लड़ाई में शुरुआत अपने बचपन में ही वाराणसी से शुरू की। 1921 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। बनारस में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ राजकीय संस्कृत कॉलेज अब संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय पर धरने से हुआ था। स्वदेशी का उपयोग तथा विदेशी वस्तुओं सहित अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार किया गया। राजकीय संस्कृत कॉलेज में धरना देने वाले सभी छात्र गिरफ्तार कर लिए गए, जिसमें चंद्रशेखर तिवारी भी उनमें से एक थे। चंद्रशेखर तिवारी को आज़ाद का नाम वाराणसी में ही मिला। मुकदमे की सुनवाई के दौरान जब चंद्रशेखर से उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने बड़े स्वाभिमान के साथ अपना नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वाधीन तथा पता जेलखाना बताया। तब से उनका नाम चंद्रशेखर तिवारी के बजाय चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से विख्यात हो गया। बेतों की सजा सुनाने के बाद उन्हें बनारस की शिवपुर स्थित सेंट्रल जेल में भेजा गया। वहां के तत्कालीन जेलर ने उन्हें अल्प वयस्क होने के कारण उनसे भावनावश माफी मांगने की बात कही। स्वाधीनता के दीवाने फौलादी व्यक्तित्व वाले चंद्रशेखर भला स्वाभिमान के विपरीत जेलर की राय कैसे स्वीकार कर लेते। अंततः सेंट्रल जेल में ही उन्हें 12 बेत मारे गए। मेहतर बेत मारते गया, अधिकारी उसकी गिनती करते गए और देशाभिमानी चंद्रशेखर आज़ाद हर बेत पर भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय तथा वंदे मातरम का उद्घोष करते गए। न सजा का डर, न बेतों की चोटों का अनुभव। चंद्रशेखर आज़ाद ने बेत के घाव ठीक होने के बाद काशी विद्यापीठ में प्रवेश लिया। उसी समय देश में राष्ट्रीय आंदोलन के साथ ही क्रांतिकारी आंदोलन भी चल रहा था। 1923 में इस क्रांतिकारी संगठन का केंद्र बनारस में भी स्थापित हो गया था, जिसका नाम था हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ। काशी विद्यापीठ में उस समय क्रांतिकारी प्रणवेश चटर्जी भी पढ़ते थे। चंद्रशेखर के साहसिक कार्यों के कारण प्रणवेश चटर्जी ने उनसे मित्रता बढ़ा ली और अपने क्रांतिकारी संगठन का सदस्य बना लिया और देखते ही देखते बनारस क्रांतिकारियों का गढ़ बन गया था। वाराणसी के लखसा स्थित जद्दूमंडी के रहने वाले क्रांतिकारी सचिंद्रनाथ बख्शी, राजेंद्र लहड़ी, गोविंद चरण, भगवान दास, माहौर आदि क्रांतिकारियों से उनका परिचय हुआ। तब उन्होंने गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन को त्याग कर सशस्त्र के साथ क्रांति के कार्य में जी जान से लग गए। इस दौरान वो जद्दूमंडी स्थित रामकुंड अखाड़े पर व्यायाम के साथ साथ अपने अन्य क्रांतिकारी भाइयों के साथ अखाड़े के एक कमरे में अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति बनाते थे, जिसमें उनके साथ सरदार भगत सिंह भी हुआ करते थे। आज भी इस अखाड़े में आज़ाद के साथ भगत सिंह का चित्र लगा हुआ है। इन क्रांतिकारियों के खाने के लिए एक गुपचुप व्यवस्था की गई थी। कहा जाता है कि अंग्रेजों को शक न हो इसके लिए गाय भैंसों के खाने के लिए बनाए गए नांद में चना भिगोया जाता था, जिसे क्रांतिकारी खाते थे। अखाड़े से थोड़ी दूर पर टकरा मठ था, जो आज भी वहां पर है, जहां पर वो विश्राम किया करते थे। एक ओर जहां वो साहसिक थे, वहीं दूसरी ओर तेज दिमाग भी रखते थे। कहा जाता है कि एक बार टेकरा मठ में प्रवास के दौरान अंग्रेजों को उनके ठिकाने का पता चल गया और अंग्रेजों ने इस मठ को चारों तरफ से घेर लिया था। चंद्रशेखर आज़ाद बड़ी चालाकी से अंग्रेजों को चकमा देकर वहां से निकल गए। किसी को पता ही नहीं चला, अंग्रेज हाथ मलते रह गए। इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद लगातार रणनीति बनाकर अंग्रेजों को नुकसान पहुंचाते रहे। फिर चाहे वो काकोरी कांड हो, लाहौर असेंबली में बम फेंकना हो या सैंडर्स की हत्या, इन सभी रणनीतियों को बनाने में चंद्रशेखर आज़ाद किसी न किसी रूप में जुड़े थे, जिसमें उनके कई साथी अंग्रेजों के हाथ लगे, कईयों को फांसी भी हुई, पर आज़ाद कभी इनके हाथ नहीं लगे और अंत तक वो अंग्रेजों के कार्यों, व्यवस्थाओं, वार रणनीतियों के खिलाफ विध्वंसक बने रहे। 1906 में जन्मे आज़ाद अंग्रेज़ों के हाथ ना लगें, इसके लिए इलाहाबाद में अंग्रेज़ों से लोहा लेते हुए अपनी रिवॉल्वर की आखिरी गोली से खुद को गोली मारकर सदा सदा के लिए इस धरती से आज़ाद हो गए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की इनका अंग्रेजों में खौफ इतना था कि इनकी गोली मारने के बाद भी घंटों तक अंग्रेज इनके शव के पास नहीं आए। सही मायनों में चंद्रशेखर आजाद थे और जीवन के अंतिम क्षण तक आजाद ही रहे। आजाद रहा, आजाद हूं, आजाद ही रहूंगा, शायद अंतिम समय उन्होंने यही कहा होगा। ऐसे क्रांतिकारी को शत शत नमन।
आज़ादी का ये अमृत महोत्सव यूं ही नहीं है, ये इसलिए है ताकि हमें और हमारी आने वाली पीढ़ी को याद रहे कि आज़ादी उपहार में नहीं मिली है। इस आज़ादी का नमन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नाम गुमनाम शहीदों को हम याद रख सकें। आज़ादी का मतलब शहीदों का एक सपना है। आज़ादी का मतलब ये प्यारा भारत अपना है। नमस्कार।